श्री भारती कृष्णचंद्र जी महाभाग ने एक वर्ष की अवधि में 7 विषयों से MSc प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया था। उन दिनों MSc को भी MA ही कहा जाता था। 14 वर्ष की आयु में संस्कृत में भाषण करने के कारण उन्हें सरस्वती की उपाधि प्राप्त हुई थी। वो व्याकरण, साहित्य और विज्ञान के मूर्धन्य विद्वान थे। एक ही महान भावों को विश्व में यह संयोग सुलभ है कि कालक्रम से 2 पीठ के शंकराचार्य हुए हों, यह ध्यान रखने की आवश्यकता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने मठामनाय महासेतु और मठामनाय महानुशासनम में स्पष्ट लिखा है कि 4 आचार्य हैं, 4 पीठ हैं। मठाश्चत्वारः आचार्याश्चत्वारः, एक काल में एक महान भाव एक पीठ के ही शंकराचार्य हो सकते हैं। भारती कृष्ण जी महाराज पहले द्वारका पीठ के शंकराचार्य थे। इस पीठ के 142वें शंकराचार्य सुनाम धन्य श्री मधुसूदन तीर्थ जी महाभाग, जिनको इस पीठ की अधिष्ठात्री देवी विमला जी सिद्ध थी, जिनका सम्मान स्वयं वायसराय ने भी दिल्ली में विधिवत बुलाकर किया था। उनके अनुरोध पर अपने एक योग्य व्यक्ति को द्वारका का शंकराचार्य पद सौंप कर श्री भारती कृष्णचंद्र जी महाभाग यहाँ के 143वें जगत गुरु शंकराचार्य हुए। उन्होंने 15 खंडों में गणित की संरचना की थी, लेकिन एक एक प्रति एक एक संरचना शिष्यों के घर में रखते गए, फलस्वरूप उनके जीवन काल में ही 15 विलुप्त हो गए। अब ऐसा लगता है कि पाश्चात्य जगत ने कुछ विनिमय का कुचक्र चल के कुछ प्रतियों को अपना लिया। उनके ग्रंथ अंग्रेजी में होते थे, पाश्चात्य जगत सुगमता पूर्वक उनके गणित के अनुसंधान को आत्मसात कर चुका। मोतियाबिंद की स्थिति में उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम है अंग्रेजी में वैदिक मैथमेटिक्स। उनके जीवन काल में उसे छपने का सुयोग नहीं प्राप्त हुआ। कालांतर में उनके प्रति आस्था रखने वाली स्वामी नारायण संप्रदाय से संबद्ध मंजुला त्रिवेदी ने पांडुलिपि को अमेरिका से प्राप्त किया और उसे छपने का सुयोग सधा। उसका हिंदी अनुवाद भी आजकल सुलभ है। भारती कृष्ण जी महाभाग ने अद्भुत वैदुष्य का परिचय दिया है वैदिक मैथमेटिक्स में। 32 सूत्रों में केवल 12 सूत्र गणित से साक्षात संबद्ध हैं। शेष जो सूत्र हैं वे दर्शन शास्त्र और नीति शास्त्र से संबद्ध हैं, लेकिन उनकी बुद्धि की चमत्कृति थी कि उन्होंने दर्शन से संबद्ध भाव को भी गणित में ढाल दिया। एक उदाहरण है, श्रीमद्भागवत के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय के 25वें श्लोक का एक चरण है,
शिष्यते शेष संज्ञा। महाप्रलय की दशा में भी जो नष्ट होने से, गलने से, विलीन होने से बच जाए उसका नाम शेष है। यह दार्शनिक धरातल पर शेष की परिभाषा श्रीमद्भागवत में सन्निहित है, लेकिन इस चरण को उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स में उपसूत्र के रूप में गुम्फित किया, शिष्यते शेष संज्ञा। यह सूत्र ज्यों के त्यों गणित जगत में भी क्रियान्वित होता है। कटने पिटने से जो बच जाए उसी को गणित में भी शेष कहते हैं। इस प्रकार 12 के अतिरिक्त जो सूत्र हैं वे दर्शन शास्त्र से संबद्ध हैं, तथापि दर्शन ही गणित का रूप धारण करता है। इस सिद्धांत के मर्मज्ञ मनीषी भारती कृष्ण जी महाभाग ने दार्शनिक सूत्रों की संरचना कर गणित जगत में उनका उपयोग किया। उनको देना है ना वो लेख। साथ ही साथ कुछ व्यवहार परक भी सूत्र है। मैं उदाहरण देता हूँ, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का तीसरा सिद्धांत सुनिश्चित किया, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया की समान और विपक्षी प्रतिक्रिया होती है। यह नीति शास्त्र है, व्यवहार शास्त्र है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी है। जिस बुद्धि कौशल का परिचय न्यूटन ने दिया उसके मूल में वैशेषिक दर्शन इत्यादि की प्रतिभा सन्निहित थी। श्री भारती कृष्ण जी महाभाग ने नीति परक वचनों को भी गणित में ढाला और बहुत से व्यवहार परक वचन को भी गणित में ढाला। लेकिन उनके जीवन काल में जब उन्हें पूछा गया, प्रयाग में भी उनसे पूछा गया था, पारसनाथ पांडे जी जो कुलपति हैं, बहुत मूर्धन्य विश्व स्तर के गणितज्ञ हैं, उन्होंने बताया मुझे कि महाराज आपके ग्रंथ का नाम है वैदिक मैथमेटिक्स, लेकिन वेदों में तो ये सूत्र कहीं दिखाई नहीं पड़ते। हमको तो ऐसा लगता है कि आपकी अद्भुत प्रतिभा मेधा शक्ति ने इस ग्रंथ को, अद्भुत ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया है, लेकिन आपने वेदों को श्रेय देने के लिए वैदिक होने के कारण इसका नाम वैदिक लिख दिया है। भारती कृष्ण जी महाराज चुप रहे, मुस्कुरा दिए, लेकिन किसी को कुछ बताया नहीं कि सूत्र कहाँ हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने जो भूमिका लिखी है वैदिक मैथमेटिक्स पर, उसमें उन्होंने अथर्ववेद शुल्भ सूत्र का उल्लेख किया है। भारती कृष्ण जी महाभाग का जीवन काल 1960 तक है। वे कोई 200-400 वर्ष पुराने महानुभाव नहीं। उनके जीवन काल में जो वेद सुलभ थे आज भी सुलभ हैं, परम शुल्भ सूत्र में भी उन सूत्रों का कहीं सन्निवेश नहीं है। हम वृंदावन में श्रीमद्भागवत की कथा 72 से कहते थे, तो हमको याद था पहले से ही कि शिष्यते शेष संज्ञा। जब हमने वैदिक मैथमेटिक्स को देखा तब मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि श्रीमद्भागवत का ही एक चरण है, एक श्लोक का, इसे मान्य महानुभाव ने दर्शन में ढाला है। लेकिन एक प्रश्न विश्व स्तर पर था कि श्री भारती कृष्ण जी महाराज की मेधा शक्ति अद्भुत थी। इतने बड़े विद्वान, गणित में भी MSc होने पर भी उन्होंने 8 वर्षों तक श्रृंगेरी में तप किया। तब जो उनको गणित की विद्या सुलभ हुई
वह 350 पृष्ठों में वैदिक मैथमेटिक्स में अंकित है, परंतु ये सूत्र कहीं मिलते नहीं हैं। एक सूत्र का मैं नाम दे दिया, श्रीमद्भागवत 10वां स्कंध अध्याय 3 श्लोक 25 का एक चरण है। दो तीन वर्ष पहले हमने प्रयास किया कि बाकी सूत्र मिलें, बहुत परिश्रम करने के बाद भगवान सूर्य की कृपा से, भारती कृष्ण जी महाभाग की कृपा से मुझे बहुत से सूत्र ज्यों के त्यों उपनिषदों में प्राप्त हो गए हैं। और बहुत से सूत्र ऐसे हैं जिसकी अनुकृति वैदिक मैथमेटिक्स में है, साथ ही साथ गणित में जो संख्या का उल्लेख अक्षरक क्रम से होता है वो दो प्रकार से माना जाता है, एक समर शास्त्र के अनुसार, एक आर्यभट्ट के अनुसार। भारती कृष्ण महाभाग ने एक गणित में पाई होता है, ऐसे लिखते हैं पाई, पाई का मान होता है। एक श्लोक ऐसा रचा संस्कृत में जिसका अर्थ, दो पंक्ति का श्लोक, चार चरण का श्लोक है, कोई भी साहित्यकार नहीं लगा पा रहे संस्कृत में। उन्होंने कहा कि शिव और कृष्ण परक अर्थ, हरिहर परक अर्थ तो बहुत सुगम है, उसे मैं क्या व्यक्त करूं, वही इतना दुर्गम हो गया, उसका अर्थ अभी नहीं लगा पा रहे कोई विद्वान, एक श्लोक का अर्थ नहीं लगा पाए। लेकिन उन्होंने पाई का मान दिया है, दैव योग से समर शास्त्र के अनुसार मुझे उस पाई का मान उनके श्लोक से भी प्राप्त हो गया है, और बाकी जितने उनके सूत्र हैं सबकी आधारशिला और कुछ सूत्र ज्यों के त्यों उपनिषदों में प्राप्त हो गए हैं। यह एक विश्व के लिए मंगल सूचक संदेश है। अब कोई आक्षेप नहीं कर सकता कि भारती कृष्ण जी महाराज ने वैदिक नाम वैदिक नाम तो लिख दिया, लेकिन वेदों में या वैदिक वाङ्मय में वे सूत्र कहीं सुलभ नहीं हैं, इतना मैंने कहा। अभी मस्तिष्क में 50 ग्रंथों की सूची है, कम से कम 20,000-25,000 पृष्ठों की सामग्री मस्तिष्क में है, 2,000 पृष्ठों की सामग्री लगभग गणित पर ही मस्तिष्क में है। कितना उतर सकता है कंप्यूटर के माध्यम से, ग्रंथ का रूप धारण कर सकता है, यह तो काल पर भगवान पर निर्भर है। लेकिन व्यावहारिक धरातल पर पूज्य गुरुदेव का जो एक संस्कृत में ग्रंथ है बहुत महत्वपूर्ण, जिसका उनके जीवन काल में कोई हिंदी में अनुवाद नहीं कर सका, उसका नाम है भक्ति रसायन वाह, गौड़ी संप्रदाय का एक ग्रंथ है भक्ति पर, भक्ति रसारणव सिंधु। मधुसूदन सरस्वती जी का एक ग्रंथ है भक्ति पर संस्कृत में, भक्ति रसायन। दोनों ग्रंथों का अनुशीलन करने के बाद पूज्य गुरुदेव ने भक्ति रसारणव ग्रंथ का प्रणयन किया। कठिनाई यह है कि दार्शनिक व्यक्ति जो आजकल काशी आदि के विद्वान हैं वो भक्ति के स्वरूप को नहीं समझ पाते ठीक से, क्योंकि वेदांत की प्रक्रिया ऐसी चल गई है कि वेदांती भगवत भक्ति से सुदूर होते हैं। भक्ति पक्ष में जो दर्शन है उसका ज्ञान आजकल के वेदांतियों को होता ही नहीं। वृंदावन आदि में तो विद्वान तो क्या नाचने गाने वाले प्राय रह गए, फिर भी 25 वर्ष पहले तक अच्छे अच्छे विद्वान थे, उनको भक्ति का दार्शनिक स्वरूप पता था लेकिन अन्य दर्शनों का ज्ञान नहीं था। इसलिए काशी वृंदावन दोनों के लिए उस ग्रंथ का अनुवाद दुर्लभ सिद्ध हो गया। तो एक दिन पूज्य गुरुदेव ने प्रदोष काल में पार्थिव लिंग का पूजन करते समय बीच में आचमन करके मुझे कहा, देखो इसका पूरा अनुवाद विवरण सहित होना चाहिए, यह दायित्व मैं तुझे देता हूँ। हंस के ऊपर
या नेवला के ऊपर या खरगोश के ऊपर सुमेरु पर्वत रख देने के समान। लेकिन हमने समझा कि पूज्य गुरुदेव ने आज्ञा ही नहीं दी, शक्ति भी दी है। तो लगभग 50 पृष्ठ हम अनुवाद कर भी चुके हैं 2-3 साल पहले। फाल्गुन से लगकर आगे फाल्गुन तक लगभग 1 वर्ष की अवधि में पहले हम भक्ति रसारणवह का हिंदी अनुवाद विवरण सहित करेंगे, उसके बाद में वैदिक मैथमेटिक्स की व्याख्या एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में, जो व्याख्या भी होगी वो ग्रंथ अपने अपनी स्वतंत्रता भी सिद्ध करेगा। उसका नाम दिया है पूर्वावनाय वैदिकार्ष गणित। उसमें भी लगभग 50 पृष्ठ हम लिख चुके हैं 2-3 साल पहले। भक्ति रसारणवह में कम से कम 1 साल लगेगा और 8 साल परिश्रम करने के बाद 7 विषयों में MSc, कई विषयों में आचार्य होने पर भी जिन विद्वान भारती कृष्ण जी महाराज ने विश्व स्तर का ग्रंथ लिखा वैदिक मैथमेटिक्स, उसको समझना भी कठिन है, फिर बिना समझे तो व्याख्या क्या होगी। उन सूत्रों में यह चमत्कृति है कि रेखा गणित, ज्योतिष आदि, बीज गणित आदि, अंक गणित आदि जितने शाखा प्रशाखाएं हैं गणित से संबद्ध लगभग 10-12 हो जाती हैं, वे सारे सूत्र सभी शाखा पर क्रियान्वित हो जाते हैं। उनकी क्षमता ऐसी है, इस ढंग से रचना की गई है, गणित की किसी भी शाखा और प्रशाखा पर वे सूत्र ज्यों के त्यों क्रियान्वित हो जाते हैं। उतना बृहद विज्ञान अभी भारत में किसी के पास नहीं है, क्योंकि गणित के किसी एक विषय का एक विभाग का कोई जानकार हो सकता है, उन्होंने उस ढंग से सूत्रों की संरचना की कि गणित के जितने विभाग हैं अवान्तर भी मुख्य भी सब पर वे सूत्र ज्यों के त्यों क्रियान्वित हों। तो समुद्र में एक सामान्य तैराकी गोता लगावे या समुद्र के पार जाना चाहे उसी समान या कठिन काम है। लेकिन हमारे जो अब तक लगभग 12-13 ग्रंथ गणित पर प्रकाशित हो चुके हैं वो सैद्धांतिक हैं। ये प्रयोग विभाग है वैदिक मैथमेटिक्स, हमारे जो ग्रंथ हैं वो सिद्धांत विभाग है, शून्य की भाव रूपता ये सब। हमारे ग्रंथ को समझने में ब्रेन हेमरेज होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि वो जो दर्शन का जिसको पूरा ज्ञान और दर्शन को कैसे गणित आदि में ढाला जाए इसकी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होगा, वो नहीं लगा सकता। हमारे चंद्रभूषण पाठक जी बहुत परिश्रम करके उन ग्रंथों को देख रहे, अंग्रेजी अनुवाद भी कर रहे धीरे धीरे, तो समझना कठिन है। लेकिन पारसनाथ पांडे जी ने मुझको एक सुझाव दिया था कि ये ग्रंथ भविष्य में पुस्तकालयों की शोभा बढ़ाएंगे, अगर आप अपने द्वारा लिखे गए गणित के ग्रंथों को पढ़ाते नहीं, 2-4 अपने ऐसे स्नातक नहीं तैयार करते जो बाल में पढ़ा सकें आपके जीवन काल में, तो पुस्तकालय की शोभा बढ़ाने में ये ग्रंथ प्रयुक्त होंगे। इस संदर्भ में जगन्नाथ विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो कुलपति रह चुके हैं त्रिविक्रम पतिदेव, उन्होंने स्वस्तिक गणित पर जो संदेश दिया है बहुत महत्वपूर्ण है। वो विश्व स्तर के गणितज्ञ थे, चंद्रमा के समान पूरे विश्व में उनके गणितज्ञ होने की ख्याति थी। लेकिन उन्होंने भी यही स्वामी जी को फ़ोन पे कहा था, 3 साल मुझे समझने में लग जाएंगे फिर अंग्रेजी में अनुवाद कर पाऊँगा, तब तक उनका शरीर ही छूट गया। उस ग्रंथ का अनुवाद चंद्रभूषण पाठक जी ने किया है। हमने एक संकेत किया सज्जनों, वैदिक मैथमेटिक्स प्रायोगिक है लेकिन उसमें बहुत बड़ी गंभीर पहेली है कि उन्होंने सूत्र के माध्यम से जिस प्रश्न का उत्तर 2 घंटे में हो सकता है क्रम से,
उसको दो आधे मिनट में हल करने की प्रक्रिया का आविष्कार किया है, तो चमत्कार है। लेकिन सूत्र की संरचना की आधारशिला कैसे क्या है, इस रहस्य को नहीं बताया। इसलिए वैदिक मैथमेटिक्स के आधार पर कोई चमत्कार तो दिखा सकता है, 1/19 to 1/29, 1/39, 1/49, बस एक सेकंड में लिख सकता है। लेकिन ऐसे सूत्र की रचना किस आधार पर हुई, एक बहुत जटिल पहेली है। तो समुद्र में गोता लगाने पर फिर उसकी गहराई का पता चलता है। लेकिन अब तक जो हमारे गणित के ग्रंथ छपे हैं भगवान सूर्य की कृपा से, उनमें उनके एक एक सूत्र पर कहीं कहीं 25-25 पृष्ठों की सामग्री हमारे ग्रंथों में छिटपुट है। केवल अभी हमने नमूना के रूप में लगभग एक महीने एक कदम उठाया, दशमलव पद्धति की निगमागम मूलकता डिसिमल सिस्टम पर। वैदिक मैथमेटिक्स में सबसे पहला अध्याय चमत्कारपूर्ण वही है, और वो लगभग 10 पृष्ठों का लेख है, प्रथम लेख। कंप्यूटर खराब हो गया कल, देर पेज हमारे डिलीट हो गए दो पेज, लेकिन 10 पेज की सामग्री लगभग 180 पेज या 200 पेज तक जाएगी। अभी जो दशमलव पद्धति की निगमागम मूलकता नामक ग्रंथ में 130 पृष्ठ लगभग लिखा जा चुका है, हो सकता है 50 पृष्ठ सुगमता पूर्वक और हो जाए, हो सकता अधिक भी हो। आप समझ सकते हैं कि वैदिक गणित के 10 पृष्ठ उसी साइज में, उसी आकृति में, लंबाई चौड़ाई में उसकी व्याख्या 200 पृष्ठों तक जा सकती है। तो 350 पृष्ठों में जो ग्रंथ है उसकी व्याख्या तो 6000 पृष्ठ तक जा सकती है। तो बहुत दुर्गम कार्य है। लेकिन एक चीज़ इंदिरा जी को, अशोक जी को, आप लोगों को भी बहुत प्रमुदित करेगी। हम तो पहले पटना वालों की प्रतीक्षा थी, आ गए क्या? तो हमने, हाँ, एक विचित्र बात है, दत्तात्रेय जी की शैली में हम सबसे शिक्षा लेते हैं, मन से सबको गुरु बना लेते हैं, सबसे शिक्षा लेते हैं। हमसे कौन शिक्षा लेते हैं हमको नहीं पता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसी घटना नहीं, चिड़िया नहीं, वृक्ष नहीं, जहाँ से हम शिक्षा न लेते हों। एक वैश्य छत्तीसगढ़ का, अब वो दिखता नहीं, बम्बई में ये कहाँ चला गया, गरीबी से तंग होकर मेरे सामने रो रहा था 12-13 वर्ष पहले। मैंने कहा कि मैंने सुना है कि तुम्हारे पिता का दिया हुआ धन तुम्हारे पास बहुत है, फिर होते क्यों? उसने कहा, आपको पता है ना कि मैं वैश्य हूँ, जब तक वैश्य का बालक पढ़ लिख के योग्य नहीं होता, शादी नहीं करता, कुछ हाथ पांव चलाकर रोजी रोटी का प्रयास नहीं करता, तब तक पिता की संपत्ति का भोक्ता होता है। बाद में जो वैश्य होकर के भी पिता की संपत्ति को खा करके जीवन यापन करता है, वो वैश्य नहीं गिना जाता। हम उसको धरोहर के रूप में समझते हैं। हमारा दायित्व होता है कि हम धन अर्जित करके उसको और बढ़ावें और अपना जीवन यापन करें। तो हमने समझ लिया, हमने उसको मन से गुरु बना लिया, वो हमारा शिष्य ही था, कहाँ है ये सब पता नहीं ठीक से। तो हमने स्वामी जी को बताया, निकेश जी को बताया, आज भरी सभा में आपको भी बता रहे, हमारे ऊपर कितना दायित्व है। क्षमता बिल्कुल नहीं, दायित्व बहुत। विश्व स्तर के मनीषी धर्म सम्राट स्वामी श्री कर्पात्री जी महाभाग का मैं शिष्य हूँ, उनकी गति तो सब विषयों में अबाध थी। मार्क्सवाद रामराज्य नामक ग्रंथ कम्युनिज्म का खंडन है, जिसने नेहरू जी के शासनकाल में जो कम्युनिस्टों का शासन भारत में होने वाला था उसे रोक दिया,
आज तक पूरे भारत में कम्युनिस्टों का घोषित शासन नहीं हो पाया, उस ग्रंथ का यह चमत्कार रामायण मीमांसा यजुर्वेद पर भाष्य और वेदों की भूमिका वेदार्थ पारिजात तंत्र शास्त्र पर उनके दो ग्रंथ हैं और भक्ति पर उनके संस्कृत में हिंदी में विशाल ग्रंथ हैं। तो यज्ञ युग के प्रवर्तक श्री विद्या का लोप हो गया था उत्तर पश्चिम पूर्व भारत में, उसके ख्यापक वो सब इतनी विद्या दे गए, उन सब को सुरक्षित रखने का दायित्व अपने आप उनका शिष्य होने के कारण मुझे प्राप्त होता है। इस पीठ के जो शंकराचार्य जिन्होंने हमको उदारता पूर्वक शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया, उनकी उदारता का क्या कहना। उनका विद्यार्थी तो मैं था लेकिन दीक्षित शिष्य तो नहीं था। अपने किसी दीक्षित शिष्य को शंकराचार्य बना के आग्रहपूर्वक हमको अभिषिक्त किया, जबकि उनको ये भी नहीं पता था कि मैं किस प्रांत का शरीर से हूँ, मैं क्यों बताता, और ये भी नहीं पता। अभिषेक के बाद पूछा बहुत धीरे से, मुझे नहीं पता है स्वामी कर्पाती महाराज के शिष्य हैं, ब्राह्मण हैं ही, दंडी स्वामी हैं ही, इसमें क्या संदेह, किस प्रांत के हैं ये भी नहीं पता है, मेरे विद्यार्थी भी हैं, संभवतः ये अमुक क्षेत्र के हो सकते हैं, क्या ऐसा है। मेरी ओर देख लिया तो मैंने खंडन नहीं किया, तो उन्होंने कहा लगता है वही किया, इतना बड़ा त्याग उनका। फिर कहा कि आज के बाद मेरे नाम के पीछे पूर्व या वरिष्ठ शंकराचार्य का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अब मैं शंकराचार्य नहीं हूँ। वो दिग्गज विद्वान तो थे ही, लेकिन उन्होंने 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा की भावना से अनशन किया था। वो दायित्व भी हमको प्राप्त होता है, पूज्य गुरुदेव ने तो गोरक्षा के लिए क्या नहीं यातना सही। फिर हमने कहा कि भारती कृष्ण जी महाभाग साहित्य के अद्भुत विद्वान थे, उनका जो एक ग्रंथ है संस्कृत में उसका अनुवाद होना भी कठिन है, पद्य संस्कृत पद्य में कुछ अंश उसका अनुवाद किया गया है, झा जी ने किया था, वो मेरे पास है। साथ ही साथ उन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स दिया, और अगर पिताजी के दृष्टि से हम विचार करें तो वे दरभंगा नरेश जो ब्राह्मण होते थे उनके यहाँ राज पंडित थे, ज्योतिष के उद्भट विद्वान थे, उस परंपरा में ज्योतिष की रक्षा का भी दायित्व प्राप्त होता है। तो गणित ज्योतिष तंत्र और विविध प्रकार के विषयों और स्वस्थ क्रांति के निर्वाह का दायित्व हमको प्राप्त है भगवान की कृपा से, जितना निभ सके। तो हमने वैदिक मैथमेटिक्स के संबंध में यह कहा, और वो जो सूत्रों की संरचना हुई है वो उनकी अद्भुत मेधा शक्ति का परिचय देती है। जब हम उसमें गोता लगाएंगे, एक रहस्य और बता दें, गणित हमने 10वीं तक ट्रिग्नोमेट्री यह सब का अध्ययन किया, उसके बाद वो भी भूल गए, सामान्य जोड़ घटा गुणा भाग याद है, लेकिन विशाल गणित पर जब लिखने लगता हूँ तो 5% सामग्री भी मन में नहीं होती, भगवान की कृपा से कलम कहीं कंप्यूटर पर कहीं रुकती नहीं, कहीं कहीं 8 घंटा 15 मिनट विचार करना पड़ता है। तो ये ग्रंथ में घुसने पर ग्रंथ सरस्वती कृपा से अपना भाव देता है, पहले ही हम उस विषय के जानकार हैं ऐसा मान के नहीं चलते हैं। ये सब कार्य इस मठ से कम वैदिक वाङ्मय को उज्जीवित करने का प्रकल्प चल रहा है, और अगर हमको एक दो वैज्ञानिक प्राप्त हों, विविध विभाग और इंजीनियर सहृदयता पूर्वक, तो हमको विश्वास है कि कई यंत्रों का भी आविष्कार हो सकता है। क्योंकि एक अद्भुत तथ्य है कि दर्शन को गणित में, इतिहास में, भूगोल में और वास्तुशास्त्र में
अंतरिक्ष विज्ञान में कैसे ढाला जा सकता है, यह विद्या प्रथा आजकल लुप्त है, लेकिन भगवत कृपा से हमको वो प्राप्त है। इसीलिए किसी भी विषय में दर्शन को ढाला जा सकता है। हमारे भगवान सूर्य की कृपा से जो प्राप्त गणित का विज्ञान है वो सब दर्शन है। दर्शन शास्त्र को ही गणित में ढाल दिया गया। तो एक अद्भुत दृष्टि हमको इस पीठ पर अभिषिक्त होने के बाद यहाँ की देवी, यहाँ के देवताओं के प्रभाव से प्राप्त है कि दर्शन शास्त्र को भूगोल, खगोल और ज्योतिष, गणित, इतिहास किसी भी विषय में ढाला जा सकता है दर्शन के विज्ञान को। तो अपने आप में वैदिक वाङ्मय के अनुसंधान का यह अद्भुत केंद्र भगवान कृपा से प्राप्त है। और अब तक हमारे पीसी झाजी कोलकाता वालों ने प्रारंभ तो किया था, हमारे टुल्लू आचार्य, प्रशांत आचार्य ने उड़ीसा तक सीमा रखी थी, वैज्ञानिक संस्थानों में, चिकित्सा संस्थानों में हमको ले गए, कृषि संस्थानों में ले गए और वहाँ के विषय पर हमको प्रवचन करने के लिए कहा। अब भारत का शायद ही एक दो कोई प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान बचा हो जहाँ हमारा प्रवचन न हुआ हो। भाभा परमाणु केंद्र में भी लगभग 1.5 घंटे, और जिन्होंने मंगल ग्रह पर 15 महीने के परिश्रम से यान भेजा था, दक्षिण भारत के शर्मा जी, अहमदाबाद नहीं बम्बई में संभवतः जब मेरा प्रवचन हो रहा था तो 1 घंटे 50 मिनट का प्रवचन था विज्ञान पर, वो हमारे श्रोताओं में थे बैठे हुए। इसका मतलब है कि दर्शन शास्त्र को कहीं भी ढाला जा सकता है। यह जो एक चमत्कार पूर्ण तथ्यपूर्ण संदेश है वह विश्व तक पहुंचने की आवश्यकता है। इसके पीछे मेरा भाव क्या है, मेरा भाव यह है कि प्राचीन विद्या तथ्य की उपयोगिता आजकल भी ज्यों के त्यों है, और जब तक वैदिक महर्षियों के द्वारा चित परीक्षित और प्रयुक्त उपाय या सिद्धांत का आलम्बन नहीं लिया जाएगा तब तक भौतिक धरातल पर भी भारत का या विश्व का उत्कर्ष नहीं हो सकता। अंत में मैं एक वाक्य बोलता हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है, और वाक्य कहाँ से मुझे मिला, श्रीमद् भागवत 4:18:3-5, भागवत 4:18:3-5, भू देवी ने, पृथ्वी देवी ने गाय का रूप धारण करके महाराजा धीराज पृथ्वी को कहा, राजन वैदिक महर्षियों के द्वारा चिर परीक्षित और प्रयुक्त जो सिद्धांत हैं उनका आलम्बन लिए बिना 1000 बार प्रयास करने पर भी भौतिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता, लौकिक उत्कर्ष भी नहीं हो सकता। और पद्म पुराण, अग्नि पुराण आदि का एक वचन है, संतों को तो याद ही होना चाहिए, हमारे ग्रंथों में पूरा श्लोक दिया गया है, मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ में वह श्लोक है, एका क्रिया द्वर्च करी प्रसिद्धा। सनातन धर्म की विशेषता क्या, एका क्रिया द्वर्च करी प्रसिद्धा, एक क्रिया चेष्टा अभ्योदय निश्चयस दोनों की सिद्धि में हेतु हो जाए। तीन विभाग करें तो लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष माने अभ्योदय, और परमात्मा की प्राप्ति तीनों प्रशस्त कर दे। उदाहरण बहुत बढ़िया दिया गया है, आम के बगीचे में एक ब्राह्मण देवता विधिवत पितरों और देवताओं के लिए तर्पण कर रहे थे, एक नास्तिक श्रोगण खड़ा होकर देख रहा था, उसे देवता पितर कौन होते कुछ पता नहीं, आस्था नहीं, लेकिन वह देख रहा था कि कम से कम तर्पण के ब्याज से आम का या वृक्ष तो सिंच ही रहा है। इसलिए उसने उस ब्राह्मण देवता पर आक्षेप नहीं किया, उनका विरोध नहीं किया। ये बहुत ऊंची बात, एका क्रिया द्वर्थ करी प्रसिद्धा। पद्म पुराण में दृष्टांत तर्पण का ही है। तो मोदी जी होते यहाँ,
गुपचुप तो सुनते होंगे, क्योंकि चीन में जाकर उन्होंने जो दो वाक्य कहा वो सब यहीं का था। तो हमने एक संकेत किया कि हिंदुओं के नाम पर आक्रोश क्यों है विश्व का, क्योंकि हिंदुत्व को ठीक से नहीं समझा गया। हिंदुत्व को मुस्लिम तंत्र आदि का विरोधी मान करके ख्यापित किया गया, इसलिए विश्व की प्रतिक्रिया है, मर जाना है, भारत को रसातल में पहुंचाना है, हिंदू राष्ट्र नहीं होने देना है, अब नेपाल को भी हिंदू राष्ट्र नहीं होने देना। ये क्यों है? एंटी विरोधी, हिंदुओं को अन्यों के विरोधी मान के खड़ा किया गया, उसकी क्रिया प्रतिक्रिया। अगर शास्त्रीय विधा से हिंदू को परिभाषित किया जाता हिंदुत्व को, तो ऐसी प्रतिक्रिया नहीं होती। तो मैं एक विचित्र तथ्य यहाँ उद्घाषित करना चाहता हूँ। अगर मनुस्मृति आदि के आधार पर भले ही नाम न लें उन ग्रंथों का, व्यक्ति और समाज तथा राष्ट्र की संरचना का प्रकल्प क्रियान्वित हो, तो भौतिकवादी भी लट्टू हुए बिना नहीं रहते। सोने की चिड़िया भौतिकवादियों ने भी कहा या नहीं भारत को? क्या? इसलिए वैदिक विधा ही वह है, लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष और परमात्मा प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, तीनों काम बन गया। और आजकल की जो विधा है, पारलौकिक उत्कर्ष की तो गाथा संभव ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति की तो बात ही अरबों किलोमीटर दूर की। लौकिक उत्कर्ष के नाम पर, विकास के नाम पर सर्वत्र विप्लव। इसीलिए इस तथ्य को ख्यापित करने की आवश्यकता है विश्व स्तर पर कि सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत को दर्शन विज्ञान व्यवहार तीनों दृष्टियों से उद्भाषित करने पर लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष का मार्ग तो प्रशस्त होगा ही, परमात्मा की प्राप्ति का भी मार्ग प्रशस्त होगा।